हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड मैं हूं डॉक्टर शमला शाह और ये मेरे डिटेल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर स्टूडेंट्स आज हम लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है विच इज़ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स वो शुरू करने जा रहे हैं ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली मुझे फॉलो कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट जो स्टूडेंट्स नए हैं आपको इलेवेंथ स्टैंडर्ड के और सारे प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं ओके okay, आपको ऑनलाइन मेरे चैनल पे मिल जाएगा प्लीज़ डो नॉट फर्गेट कि आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी कंटेंट करूं तो प्लीज़ डो नॉट फर्गेट कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट ऑन वीडियो ऑल्सो ओके तो लेट एस स्टार्ट स्टूडेंट्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का कंटेंट है सो यू हैव टू पे अ लॉर्ड ऑफ अटेंशन अभी uh, जो है बोर्ड एग्जामिनेशन आप फेस करेंगे राइट सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरीके के आंसर्स लिखते हैं एंड बिगिनिंग में ही मैं कहूँगी एंड मैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में ये चीज़ दोहराऊँगी कि जब भी आप आंसर्स लिखते हैं प्लीज़ सी टू इट कि आप टेक्सट बुक का लैंग्वेज फॉलो करें ऑल राइट टेक्निकल वर्ड्स जहाँ पर जो यूज़ करने चाहिए वो ये वर्ड्स आपको यूज़ करने ही हैं आंसर में नहीं तो फिर आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं उनको अलग से लिख के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ऑलराइट सो लेटा स्टार्ट फर्स्ट so चैप्टर है करेक्ट वो डील करता है रिप्रोडक्शन के साथ में राइट सो यू आर गोइंग टू स्टडी रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स मतलब लोअर प्लांट्स या लोअर ऑर्गेनिजम्स मतलब वो जो बिल्कुल सिंपल है उसका मतलब वो होता है लोअर मतलब एनीथिंग दैट इज वेरी सिंपल जिसका सेल स्ट्रक्चर या बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है करेक्ट हायर प्लांट्स ऑब्वियसली फॉर फॉर अस Uh, आपके करंट सिलेबस के लिए हायर प्लांट्स मतलब एनजीओ है करेक्ट तो आप जो भी स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे यहां पर एनजीओ से कनेक्टेड स्ट्रेटेजीज हैं एनजीओ मतलब सिंपल टर्म्स में वो प्लांट्स जिनके फूल प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर्स फ्लावरिंग प्लांट्स करेक्ट सो स्टार्ट करते हैं और राइट रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है राइट प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस जैसे एक पर्टिकुलर प्लांट है जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो वो अपने ही जैसे दूसरे प्लांट्स को जन्म देगा सिमिलरली अगर कोई एनिमल है ओके okay, या ह्यूमन बींग्स हैं तो जो बच्चे होते हैं वो सिमिलर होते हैं या दिखने में और फंक्शन में अपने पेरेंट्स के जैसे रहते हैं दैट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन है ना रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑल क्यों क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो सकेगी है you ना know? स्पीशीज खत्म हो जाएगी जैसे आज के दिन अगर एक अच्छा पेड़ है जो अच्छे फल देता है या उसके अंदर अच्छे कुछ फंक्शन कर रहा है वो लेकिन अगर वो ओके okay, अपने ही जैसे दूसरे पेड़ों को जन्म नहीं दे सकता किसी भी तरीके से कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करके चाहे वो बीज के थ्रू रिप्रोडक्शन हो या किसी और यू नो स्ट्रेटेजी से हो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने जैसे ही दूसरे प्लांट्स की कॉपीज वो नहीं बना सकता तो फिर पेड़ कितना भी अच्छा रहे ओके okay? उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि जैसे ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा वो पूरी स्पीशीज फिनिश हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि स्पीशीज को कंटिन्यू करना है हमें ऑल राइट में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एक तरीके का झाड़ का होना वो भी इंपॉर्टेंट है अच्छा सिर्फ एक झाड़ की बात नहीं है ना जितने भी ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं इस प्लेनेट पर सबको अपने अपने कॉपी बनाना बहुत जरूरी है नहीं तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी है ना हर कोई जो लाइफ फॉर्म है वो कुछ पलों के लिए या कुछ सालों के लिए आएगा जिंदा रहेगा और खत्म हो जाएगा फिर उस अपने पीछे ओके वो, वो किसी और को छोड़ नहीं जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी सो मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी की कंटिन्यूटी को या उस रफ्तार को मेंटेन करना एंड उसके लिए रिप्रोडक्शन इज करेक्ट अब हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर मेथड होता है रिप्रोडक्शन का और अगर हम सारे रिप्रोडक्शन मेथड्स को स्टडी करें तो हमें ये पता लगता है कि जनरली हम सारे मेथड्स को दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं एक है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेक्ट तब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है अब यहां पे देखिए डेफिनेशन के टर्म्स है तो ये डेफिनेशन है है ना ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू कम्पैटेबल गैमिट्स और सेक्स सेल्स तो ये डेफिनेशन है आपको डेफिनेशन जैसे है वैसे लर्न करना है करेक्ट बस आपको मतलब समझना है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है अलग अलग दो सेल्स नहीं होते जो फ्यूज होते हैं आपस में सो so, कोई मेल या फीमेल सेल या मेल या फीमेल गैमिट या जिसको हम सेक्स सेल्स बोलते हैं ये नहीं बनते हैं अलग से और इनके फ्यूजन से चाइल्ड नहीं बनता है करेक्ट है तो क्या होता है अगर गैमिट फॉर्मेशन नहीं है तो दैट मीन सिंगल पेरेंट या एक ही ऑर्गेनिज्म से है बच्चे का या नेक्स्ट के प्लांट या एनिमल का जन्म होता है इसको हम रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ए मोड का रिप्रोडक्शन बोलते हैं करेक्ट है ना इससे क्या होगा एक ही पेरेंट का सेल या एक ही पेरेंट का जीन जो है या डीएनए जो है ये यूज होके दूसरे जनरेशन का सेल या दूसरे जनरेशन का ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है अब क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे रिप्रोडक्शन होगा तो क्या जो बच्चा प्लांट या जो डॉटर सेल है या जो डॉटर जनरेशन है उसका और पेरेंट के जीन्स में कोई फर्क रहेगा कोई अंतर रहेगा नहीं रहेगा राइट ये एक तरीके का क्लोनल प्रोपगेशन है तो आपके ए रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में करेक्ट जो पेरेंटल जनरेशन है और जो चाइल्ड की जनरेशन है या जो प्रोजेनी जनरेशन है प्रोजेनी मतलब चिल्ड्रन बच्चे ओके okay? तो जो प्रोजेनी जनरेशन है और पेरेंट जनरेशन है इन दोनों के बीच में जेनेटिकली ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट आइडेंटिटी होती है वो बहुत सिमिलर होते हैं ओके okay? दिखने में भी सिमिलर जेनेटिकली भी सिमिलर दिखने में सिमिलर मतलब मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो हमें बाहर से दिखता है जेनेटिकली मतलब जीन के कॉम्पोजिशन में ओके okay? तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म करता है तो उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो चाइल्ड जनरेशन बनती है वो जनरेशन और पेरेंट जेनरेशन एक दूसरे से इतने सिमिलर होने के वजह से हम उनको क्लोन्स बोलते हैं करेक्ट है इनको हम क्लोन बोलते हैं तो पेरेंट और चाइल्ड दोनों एक दूसरे के क्लोन्स हैं करेक्ट ऑर्गेनिजम्स जो हैं ए सेक्शुअली अलग अलग तरीके से जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आप समझ गए है ना कि दो अलग अलग जो है जेनरेशन एक ही जैसे दिखेंगे करेक्ट ओके सो इस तरीके में क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स जो है जब ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं करेक्ट फर्स्ट स्ट्रेटेजी देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन ओके okay? फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में बटना स्मॉल स्मॉल पीसेस उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट fragment. तो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है लंबा बड़ा जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं करेक्ट है अब वो क्या करता है अपने आप को वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकअप कर लेता है और उन टुकड़ों को हमने नाम दे दिया है फ्रेगमेंट करेक्ट सो आपका जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकडाउन होता है अलग अलग कारणों के वजह से कभी हो सकता है एनवायरमेंटल चेंज हो या पीएच में चेंज हो या हो सकता है कि उसको न्यूट्रिशन कम या ज़्यादा मिल रहा है किसी भी सरकमस्टेंस के वजह से एक बड़ा ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है और हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है करेक्ट सो फ्रैगमेंट्स ग्रो इन टू इंडिविजुअल्स ये स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन अब फ्रेगमेंटेशन किस तरीके के ऑर्गेनिज्म करते हैं आपके लोअर एल्गे फिल्मेंटस एल्गेरा और आपके फिलामेंटस फंगस राइट फंगस भी जो है फ्रेगमेंटेशन से अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ओके सो याद क्या करना है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म दे सकता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल इसका है स्पाइरो करेक्ट है अब जी देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसको हम कहते हैं बडिंग ओके बडिंग जो है ये सबसे कॉमन मेथड है एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में उन ऑर्गेनिजम्स में जो यूनिसेल्युलर हैं ओके ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेल्युलर में होता है बडिंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है फॉर एग्जाम्पल है ना सो so, जो यस्ट का सेल है वो एक सिंगल सेल्युलर फंगस है ये आप जानते हैं लास्ट ईयर आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्लासिफिकेशन प्लस ये एक यू कैरियोटिक सेल है तो जनरली क्या होता है जब ईस्ट कहीं पे ग्रो हो रहा है और मान लीजिए कि कंडीशन बहुत अच्छे हैं ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन है फेवरेबल मतलब अच्छे कंडीशन है न्यूट्रिशन बहुत मिल रहा है पी अच्छा है एवरीथिंग इज गुड तो क्या होता है जो सेल है उसमें छोटे छोटे ऐसे साइड से ग्रोथ होना शुरू होती है और ये छोटे छोटे ग्रोथ्स को हम कहते हैं बड करेक्ट तो अगर आप यहां देखें तो उन्होंने डायग्राम दिखाया है तो ये एक बड़ा सेल है मदर सेल अब इसको अच्छे से खाना पीना न्यूट्रिशन सब मिल गया अच्छे से रहने की कंडीशंस मिल गए, तो साइड से छोटे-छोटे ऐसे सेल्स निकलने लगते हैं, है? बर्ड है, है? है. है डायग्राम ये बेबी सेल्स हैं जो इसी सेल में से स्प्लिट हो हो के बने हैं. करेक्ट है? क्योंकि हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं ठीक है जब भी ये बर्ड्स बड़े हो जाएंगे जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ओके तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है ये और भी बड़ा हो जाएगा हो जाएगा जब वो एक पर्टिकुलर साइज पे पहुंच जाएंगे तो ये बर्ड्स नीचे गिर जाएंगे और ये इंडिविजुअल अपनी लाइफ जो है वो शुरू करेंगे एज ए न्यू इंडिविजुअल करेक्ट है ओके तो आपको रिमेंबर ये करना है कि ये स्ट्रेटेजी यूनिसेल्युलर की है करेक्ट है ए सेक्शुअल स्ट्रेटेजी है फेवरेबल कंडीशंस में ही सिर्फ होता है ओके okay? एंड ये यू कैरियोटिक सेल्स में कॉमन प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल इन द दस्ट करेक्ट है अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी देख लेते हैं अगेन हम ए रिप्रोडक्शन के ही स्ट्रेटेजी कर रहे हैं स्पोर स्पोर फॉर्मेशन फॉर्मेशन ओके फॉर एग्जाम्पल आपने क्लेमिडोमोनास पढ़ा है स्टैंडर्ड में राइट right? सो so, क्लेमिडोमोनास जो है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है अब जब इसको रिप्रोड्यूस करना है तो ये क्या करता है ये छोटे छोटे स्पोर्स बनाता है अपने अंदर

डिवाइड होके छोटे छोटे सेल्स के अंदर इनको जुओस्पोर्स मतलब फ्लैजिलेशन करने के बाद ये मेन सेल जो है ये टूट जाता है इस मेन पेरेंट सेल को हम जुओस्पोरजियम भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जुओस्पोर्स पैदा होते हैं करेक्ट है जैसे ही जुओसपोरेंजियम फूट जाता है ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं इनको बाहर रिलीज कर दिया जाता है पानी में मोस्टली ये रहते हैं तो ये रिलीज हो जाते हैं और ये इंडिपेंडेंटली नए ऑर्गेनिजम्स जैसे ग्रो करते हैं ठीक है दूसरे मेथड्स क्या हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हो सकता है बाइनरी बाइनरी फिजन फिजन एक सिंपल माइटोसिस प्रोसेस है जहां पे एक सेल के दो सेल बनते हैं बाइनरी मतलब टू फिजन मतलब ब्रेकिंग ओके okay? ये होते हैं आपके प्रोटिस्टन सेल्स में फॉर एग्जाम्पल अमीबा में पैरामेशियम में ओके okay? कभी कभी बाइनरी फिजन का मल्टीपल फिजन भी होता है करेक्ट है तो इसको कहीं लिख के ले लीजिए तो जो स्टूडेंट्स नीट के लिए स्टडी कर रहे हैं ओके okay? आपके काम आएगा मल्टीपल फिजन मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दे देता है एक ही साथ में माइटोसिस प्रोसेस से करेक्ट है फिर आता है कोनिडिया फॉर्मेशन कोनिडिया जो है ये एक स्पेशल तरीके का ग्रोथ स्पोर है जो पेनिसिलियम जैसे फंगस में आपको देखने मिलता है करेक्ट अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए देन यू हैव द जेम्यूल्स और द गेम्यूल फॉर्मेशन ये स्पेशल एसेक्सुअल बर्ड है जो एनिमल्स में पाया जाता है स्पंज जो है आपने लास्ट टाइम किंगडम एनिमेलिया स्टडी किया है तो स्पंजेस आपके लोअर एनिमल्स हैं और लोअर एनिमल्स में कभी कभी आपको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्ट्रैटेजी देखने मिल जाते हैं उसमें से एक है गेम्यूल फॉर्मेशन या जेम्यूल फॉर्मेशन ठीक है कुछ चीजें आपने लास्ट टाइम स्टडी की हैं स्टूडेंट्स तो इसको आप जरा देखिए देख लीजिए कैन यू रिकॉल क्या आपको याद आ रहा है ओके okay. कि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी होता है तो हमने ये चीज स्टडी किया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स स्टूडेंट्स ऑल दोस्ट ऑफ यू जो नीट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं आई वुड सजेस्ट अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ाई ढंग से नहीं की है या आप पढ़ के भूल गए हैं वीडियो सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लीज फटाफट जाके चेकअप कीजिए ओके okay? और स्टडी कीजिए इलेवेंथ स्टैंडर्ड का सिलेबस इक्वली इंपॉर्टेंट है नीट के लिए ओके एंड वंस अगेन प्लीज डू नॉट फर्गेट कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है वीडियो को अनदर थिंग इज की ऑनलाइन क्लासेस मेरे शुरू हो चुके हैं फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ट्यूशन नीट इलेवेंथ ट्वेल्थ as well as 9th 10th -10 for all boards okay for biology plus agar aap interested hai kisi bhi tariket ke test series mein doubt solving sessions mein to aap mujhe contact zarur kijiyega alright aapko pura syllabus nahi lena hai to aap individual chapter wise doubt solving studies as well as hourly basis pe bhi facilities le sakte hain so do not forget to call me okay आपको score अगर improve करना है या आपको neat देना है, तो don't forget to call me or to message me directly alright अगेन कैन यू रिकॉल रूट्स कुछ होते हैं स्वीट पटेटो एसपर एग्स जैसे करेक्ट जिससे रिप्रोडक्शन हो सकती है मतलब क्या स्वीट potato, ओके okay, जिसको हम शकरकंद भी कहते हैं राइट right? इनके अगर pieces आप कर दें और जमीन में डाल दें तो आपको डायरेक्टली उस चीज से नया प्लांट मिल सकता है correct? लीफ में से भी आप नए प्लांट्स को निकाल सकते हैं एग्जाम्पल जैसे ब्रायोफाइलम है उसके लीफ में बर्डिंग होती है कैलैंको है बिगोनिया है सिमिलरली स्टेम से भी आप कर सकते हैं जैसे कि आपका बटाटा है कांदा है है ना हल्दी है तो बटाटे के ऊपर आपके छोटे छोटे जो आईज हैं या जो बर्ड्स हैं उनको आप अगर कट करके जमीन में डाल देंगे यू विल गेट अ प्लांट तो ये सारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैं एंड प्लीज़ रिमेंबर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में गैमेटिक सेल का फ्यूजन नहीं हो रहा है और देरफोर ये भी एसेक्शुअल है इसीलिए जिस बटाटे के टुकड़े आप डालेंगे और उसमें से आप नए प्लांट्स निकालेंगे वो जितने प्लांट्स हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आपके ओरिजिनल पोटैटो प्लांट के एग्जैक्टली exactly सिमिलर होंगे मतलब वो उसके क्लोन्स होंगे ठीक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेरी क्विकली इसको रिवाइज करेंगे तो प्लांट्स जो है एसेक्सुअली वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो आपने जो फ्रेगमेंटेशन बडिंग मल्टीपल फिजन वगैरह की स्ट्रेटजीज देखे वो लोअर प्लांट्स में या फंगस में यू नो वैलिड है लेकिन हायर प्लांट्स में ए रिप्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली उनके वेजिटेटिव पार्ट से होता है वेजिटेटिव पार्ट मतलब रूट से लीव से स्टेम से एक्सेट्रा करेक्ट और ऑल द न्यू प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ये आपको ऑलरेडी पता है अभी ठीक है अब कुछ मेथड्स हम ऐसे भी यूज करते हैं जो नेचुरली प्लांट्स में नहीं होते आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जो हमने स्टडी करके या एक्सपेरिमेंटेशन करके जो है डेवलप किए हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ओके okay? ये दो ऐसे फील्ड्स हैं करेक्ट जहाँ पे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं प्लांट के नेचुरल स्ट्रेटेजी को हम यूज करते हैं ओके okay? और एक ही प्लांट के हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बनाते हैं बट इसको हम आर्टिफिशियली करते हैं और इस तरीके से करते हैं जैसे वो हमें यूजफुल हो करेक्ट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट हम करते हैं अब क्या मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं ये आर्टिफिशियल मेथड्स हैं हाँ स्टूडेंट्स नेचुरल मेथड आप लास्ट ईयर मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं रनर स्टलोन एट्सेट्रा वो सब जितने भी हैं अगेन इफ यू डोंट रिमेंबर प्लीज गो बैक एंड चेक द वीडियो करेक्ट आर्टिफिशियल मेथड क्या क्या है कटिंग्स है ना तो कटिंग है किसी भी वेजिटेटिव प्लांट के जहां पे बर्ड्स आपको दिख रहे हैं ओके छोटे छोटे बर्डिंग पार्ट्स आपको दिखने चाहिए उसको अगर आप कट करके क्लीन करके ओके okay? अगर आप उसको वापस से सॉइल में या किसी भी पॉटिंग मिक्सचर में या यू नो इवन पानी में आजकल न्यूट्रिशनल पानी में अगर आप डाल देते हैं तो आपको नया प्लांट जो है वो मिल सकता है करेक्ट है तो अगर किसी को एग्रीकल्चर में बहुत रुचि है या किसी के घरों में प्लांट्स हैं और आपने देखा है लोगों को तो स्टेम कटिंग से आप रोज़ को इजीली ग्रो कर सकते हैं जैसे आप बाहर कहीं गए आपको बहुत ब्यूटीफुल रोज़ का प्लांट दिखा आप उसके बड के साथ में एक छोटा सा सेक्शन बिल्कुल 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का सेक्शन अगर कट कर लेंगे घर पे आके आप उसको अगर प्लांट कर देते हैं जमीन में सॉइल में तो आपको भी रोज का प्लांट मिलना शुरू हो जाएगा सिमिलरली वो चीज आप बोगेनवि के साथ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में एज वेल एज आंसर लिखने में ओके प्लस दोज वो आर स्टिंग फॉर नीट आपको एग्जाम्पल्स तो करने ही है ठीक है लीफ के कटिंग से भी हम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सैंसवीरिया रूट कटिंग से कर सकते हैं ब्लैकबेरी ओके okay? जो एक फ्रूट uh, प्लांट है ठीक है तो ये तो हो गया कटिंग देन यू हैव ग्राफ्टिंग है ना ग्राफ्टिंग आपने शायद लोअर क्लासेस में भी डेफिनेटली स्टडी किया होगा आप क्या करते हैं यहाँ पे दो अलग-अलग प्लांट्स -अलग के पार्ट्स को जॉइन करते हैं जॉइन करके उनको बांध देते हैं ओके okay? और किस तरीके से ऐसे काट के बांधा जाता है सो so दैट एक प्लांट दूसरे प्लांट के अंदर ओके okay? मिक्स हो उनके टिश्यूज आपस में जुड़ जाते हैं करेक्ट है सो इट्स अ वेरी बहुत डेलिकेट प्रोसीजर है लेकिन एक बार अगर इसको मतलब मास्टर कर लिया बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट्स जो है वो ग्राफ्टिंग से uh, आज ग्रो किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स है पेयर्स है रोजेस में भी ग्राफ्टिंग इज डन वेरी कॉमनली करेक्ट तो क्या किया जाता है राइट right? एक पार्ट होता है तो जैसे मैंने कहा था देर आर टू प्लांट्स है ना टू प्लांट्स हैं एक प्लांट को रूट्स uh, के साथ में नीचे की तरफ रहने दिया जाता है तो मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग रोज के प्लांट्स हैं दो पॉट्स में वो ग्रो हो रहे हैं तो एक रोज के प्लांट में आप क्या करते हैं ओके okay? उसको जैसे वो है उसको वैसे ही रखते हैं रूट्स के साथ में आप उसको निकालते नहीं है आप सेंटर में ऐसे एक कट करते हैं करेक्ट ये वी शेप की छोटी सी कटिंग की जाती है राइट right? देन जो नीचे से ऑलरेडी जमीन में जुड़ी हुई है ओके okay? उसको आपने निकाला नहीं है और सिर्फ वी शेप कट किया है इसको हम कहते हैं स्टॉक ये प्लांट हो गया हमारा स्टॉक प्लांट और जो रोज आपको चाहिए है मान लीजिए कि ये वाला रोज जो है मैं जस्ट आपको एक, एक दे रही हूं, आप समझ ओके एग्जैक्टली okay, exactly ऐसे ही होता है ऐसे जरूरी नहीं है राइट right? सो so, मान लीजिए जो स्टॉक है आपने रेड रोज का लिया है बट आपको ऊपर फ्लावरिंग व्हाइट रोज की चाहिए तो आप क्या करते हैं व्हाइट रोज का जो प्लांट है उसको आप ऐसे कट कर देते हैं ओके okay? इसको कट ऑफ कर दीजिए इस पूरे बर्ड को और थोड़े से वी शेप में या स्लांटिंग शेप में कट की जाती है ठीक है और फिर इस बर्ड को ले करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है देखिए पहले यहाँ गैप था अब इसको आपने कट किया एंगल पे एक और इस कट बर्ड को आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया ओके इसको आराम सेफली इंसर्ट करने के बाद इस दोनों फ्लैप को बंद कर दिया जाता है फिंगर से और फिर आप इसको टाई कर सकते हैं यूजिंग एनीथिंग कोई सिंपल क्लॉथ या बैंडेज ओके okay, या सेलो टेप्स एटसेट्रा भी कभी-कभी यूज -कभी करते हैं बहुत टाइटली नहीं करना है ओके okay, कि यहाँ पे सप्लाई रुक जाए करेक्ट सो so, जो ऊपर का पार्ट आपने डाला है या जो ग्राफ्ट किया है दैट इज कॉल्ड द स्कियन एस सी आई ओ एन सो जो नीचे का बेस प्लांट है दैट इज स्टॉक जिसमें कट कर रहे हैं जो जिसका बर्ड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज द स्कियन करेक्ट सो स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड तो बहुत सारे बर्ड्स को हम ज्वाइन कर देते हैं स्कियोंस को, और एक रूटेड प्लांट होता है जिसको हमने नहीं निकाला है रूट्स इंटैक्ट है plant, और जब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग करेक्ट कभी कभी ओनली अ सिंगल बर्ड इज ऑल्सो टेकन और उसको बर्ड ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं ओके okay? कभी कभी आप पूरा स्टेम के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं करेक्ट जब ओनली सिंगल बर्ड ज्वाइन होता है तो उसको बर्ड ग्राफ्टिंग बोलते हैं और ये हम बहुत सारे प्रोसेसिस में कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एपल पेयर रोज है ना साम एग्जाम्पल्स गिवन बट आप चेक करेंगे तो बहुत ही मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स जो हैं वो ग्राफ्टिंग से बनाए जाते हैं ग्राफ्टिंग एक तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि आपके दो अलग अलग प्लांट्स हैं ओके जिनके दोनों के फीचर्स उस कंबाइंड प्लांट में आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि टिश्यूज अंदर से आपस में कंबाइन होके ग्रो होते हैं ठीक है, Then finally you have tissue culture. Tissue culture जो है है, है, जो ये एक modern technology है, बहुत effective technology है. Okay, एक बहुत इसमें में आप किसी भी plant के टिश्यू का एक छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं जैसे लीफ है उसका एक स्मॉल टुकड़ा आप काट लेते हैं उस टुकड़े को अच्छे से क्लीन करके आप एक न्यूट्रिशन मीडियम में उसको ग्रो करते हैं करेक्ट है और जब वो ग्रो होगा उसके अंदर आप केमिकल स्पेशली डालते हैं हार्मोन्स डालते हैं ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं और इस छोटे से लीफ के टुकड़े से आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलना शुरू होते हैं ओके तो लीफ के टुकड़े से पूरा का पूरा प्लांट आप जनरेट कर सकते हैं इसको हम कहते हैं माइक्रो माइक्रोप्रोपिगेशन या टिश्यू कल्चर एक ही ग्लास के टेस्ट ट्यूब में आप लिटरली हजारों प्लांट्स जो हैं उनको आप ग्रो करके फिर उसको बाहर पॉट्स में और फिर बाद में फील्ड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं बनाना का जो कल्टिवेशन है है ना केले का कल्टिवेशन बहुत सारा केले का कल्टिवेशन इंडिया में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोप्रोपिगेशन या कल्चर हो रहा है करेक्ट है तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल है अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ओके सो लेटस इंट्रोड्यूस आवर सेल्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बहुत बार हम स्टडी कर चुके हैं इसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है फ्यूजन मतलब कॉम्बिनेशन किस चीज का कॉम्बिनेशन दो कम्पैटेबल गैमेट्स कंपेटेबल मतलब एक दूसरे से मैं ये नहीं कहूंगी कि हंड्रेड परसेंट सेम होंगे लेकिन वो सिमिलर जरूर होने चाहिए वॉट मीन अगर रेड कलर का रोज है या पर्टिकुलर स्पीशीज का रोज है तो मेल और फीमेल ग्रामिट दोनों उसी तरीके के रोज के होने चाहिए है ना आई कैनॉट डू दिस कि मैं एक मेल सेल जो है वो रोज से लूं और फीमेल सेल मैं जासमिन या मोगरे से लूं और वो दोनों कंबाइन होंगे ऐसा नहीं हो सकता तो मेल और फीमेल सेल होना एक ही पार्ट ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी कि दोनों जो है वो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए ओके सेम जनरली दैट मींस कि सेम स्पीशीज के होने चाहिए कभी कभी रेयरली क्रॉसिंग भी होती है बट वो रेयर है करेक्ट है सारे ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में मेच्योर होते हैं ओके मेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं ऑल राइट प्लांट्स में करेक्ट रिप्रोडक्शन का फेज कब शुरू होता है आप मान लीजिए आज आपने एक बीज लिया और उसको सॉइल में डाला आप उसको वॉटर कर रहे हैं थोड़े दिनों के बाद एक बिल्कुल नन्हहा सा प्लांट निकलेगा विच इज कॉल्ड लेट और सीडलिंग फिर वो बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा ओके एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम वो ओनली ग्रो कर रहा है मतलब पत्ते आ रहे हैं उसके रूट्स बढ़ रहे हैं उसका साइज बढ़ रहा है करेक्ट है इस टाइम को हम जूवेनाइल टाइम बोलते हैं क्या बोलते हैं जुबेनाइल टाइम या यंग एज करेक्ट या इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं अब एक एज के बाद उस प्लांट में आप अगर नोटिस करते जाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद ना उस प्लांट में फूल आने शुरू होंगे तो जब फ्लावरिंग शुरू होती है उस टाइम पे हम प्लांट को बोल सकते हैं कि ओके फ्लावरिंग के फेज में ये प्लांट जो है रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है सो एज लॉन्ग एज प्लांट की ग्रोथ हो रही है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं ओनली पत्ते पत्ते ग्रो हो रहे हैं वो जुवेनाइल फेज है जैसे ही एक मेचोरिटी आ जाती है तो सडनली फ्लावरिंग शुरू होगी और ये होता है उनका रिप्रोडक्टिव फेज करेक्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज को देखना बहुत ईजी है दूसरे प्लांट्स में दूसरे तरीके हैं जज करने के ठीक है अब फ्लावर क्या है फूल जो है ये एक्चुअली एक स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है करेक्ट है और इसी चीज को हम अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं लिटिल बिट आपने ऑलरेडी स्टडी किया है पिछले साल तो आपको पता है कि मेल गैमिट जो है वो पोलन ग्रेन है है ना जो एंड्रोशियम में बनता है फीमेल गैमिट जो है दैट इज द ओव्यूल और द एग सेल जो यूनो you know, गाइनेशियम में बनता है जो आपको पता है कि फ्लावर जो है ये यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है हैप्लॉयड गैमिट्स को बनाना ओके okay, हैप्लॉयड मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का हाफ ओके okay, अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स टू एन है या दो कॉपीज हैं तो गैमिट में ओनली एक ही कॉपी होगा और गैमिट के फॉर्मेशन माइसिस से होती है दो यू हू है जो अभी अभी मुझे फॉलो करना शुरू किए हैं और आपने पिछले कंसेप्ट नहीं पड़े हैं प्लीज फटाफट फड़ जाके रिवाइज कीजिए वरना कंफ्यूजन बहुत होगा ओके सो फ्लावर का फंक्शन गैमिट प्रोडक्शन एंड प्लस ये देखना कि फर्टिलाइजेशन हो जाए फर्टिलाइजेशन मतलब क्या सिंपल टर्म्स में मेल और फीमेल गैमिट्स का मिलना दैट इज फर्टिलाइजेशन तो फूल जो है उसके दोनों इंपॉर्टेंट काम है एक गैमिट को बनाना दूसरा ये देखना कि दोनों गैमेट्स आपस में सही तरीके से फ्यूज हो जाए ठीक है टिपिकल फ्लावर में चार अलग अलग तरीके के वर्ल्स या लेयर्स हैं कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गाइनेशियम ये आप ऑलरेडी इलेवेंथ में कर चुके हैं प्लीज चेक द ओके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो मेजर इवेंट्स हैं मायोसिस जिससे गैमेट बनता है और फ्यूजन जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं इन बने हुए गैमेट्स का जब गैमेट्स फ्यूज होंगे डिप्लॉयडॉड बनेगा करेक्ट है ये सिंगल सेल है और फिर इस से आपका जो है एम्ब्रायो बनेगा एम्ब्रियो से फिर सीड के अंदर एम्ब्रियो फिर सीड जब प्लांट होता है तो पूरा प्लांट बनेगा एटसेट्रा एटसेट्रा एट्सेट्रा वन थिंग जो आपको रिमेम्बर करना है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मायोसिस के वक्त जो मेल एंड फीमेल गैमिट बनते हैं अगर ये सिंगल फ्लावर में भी बन रहे हैं तो भी ये दोनों के जीन सेम नहीं हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है तो आप बोलेंगे कि अरे एक ही फ्लावर में तो दोनों चीजें बन रही हैं तो मेल और फीमेल सेपरेट कैसे है? नहीं मायोसिस की प्रोसेस जो है एक यूनिक प्रोसेस है जहां पे एग्जिस्टिंग जीन्स को हम बार 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 शफल करते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं तो एक ही फूल के अंदर भी अगर मेल और फीमेल गैमिट बन रहे हैं तो भी वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं है और जब वो फ्यूज होंगे तो जो मतलब जो चाइल्ड प्लांट होगा या जो ऑफस्प्रिंग प्लांट होगा वो भी अपने पेरेंट्स से अलग होगा जेनेटिकली डिसिमिलर करेक्ट है सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन क्रिएट करता है एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन ऑफ प्लांट्स में वो दिखने में सिमिलर हो सकते हैं लेकिन इंटरनली वो अलग हैं वेरिएशन हैं और वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट नहीं रहता है बाहर की चीज़ें हमेशा चेंज हो रही हैं आज बारिश इतनी हो रही है हो सकता है एक साल में बारिश कम ज्यादा हो जाए हजारों चीजें हैं जो चेंज हो रही है अगर प्लांट अपना जेनेटिक्स चेंज नहीं करेगा एनिमल अपना जेनेटिक्स चेंज नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं है सो so, एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन का होना बहुत जरूरी है करेक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंड इवेंट है जाइगोट का बनना जाइगोट वो सेल है जो मेल और फीमेल दोनों सेल को मिला करके दो हैप्लॉयड के सेल एक डिप्लोइड या टू एन सेल देता है जिस विच इज जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनना शुरू होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस करेक्ट है तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे इवेंट्स को हम एक के बाद एक क्रम में लगाएं, सीक्वेंशली लगाएं, ओके तो हमें तीन वेरी डिस्टिंक्ट स्टेजेस दिखते हैं फर्टिलाइजेशन के पहले का स्टेज प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इट्स जो सेकेंड स्टेज है और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स जिनको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस करेक्ट है तो यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी प्लीज़ डू नॉट फर्गेट कि आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है ओके प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमली ऑलरेडी एंड डो नॉट फर्गेट क्लासेज मेरे ऑलरेडी ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं सो प्लीज़ डो नॉट फर्गेट कि आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्स्ट सपोर्ट ओके की कीप स्टार्टिंग एंड डोंट फर्गेट टू शेयर द वीडियो